गाइस, गुड मॉर्निंग। सो संडे है और आज मुझे बहुत सारे कंपनीज को ट्रैक करनी है, तो एकदम सुबह सुबह मैं 4:30 बजे के आसपास उठ गया। जितने भी कंपनीज का मतलब कल नंबर्स आया, सबको ट्रैक वैक कर लिया। और अभी चलो एक एक करके वीडियो में आपको ये सारे कंपनीज के बारे में बताएंगे। सो बहुत सारे कंपनीज है, आई थिंक देर आर 16, 17, 18 नेम्स के आसपास होगा। सो आई विल सी के लाइक मैं मतलब एक वीडियो में आई वोंट कवर अ लॉट ऑफ कंपनीज, तो उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। तो व्हाट आई विल डू इज मैं तीन तीन चार चार कंपनीज करके मैं एक एक वीडियो में करूंगा। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई हैव टू मेक 3-4 वीडियोज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, सो दैट आई कैन कवर लाइक एवरीथिंग फॉर यू। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी ये वाले जो वीडियो है इसमें हम बात करते हैं केबल एंड वायर स्पेस का। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर जो गुड्स होते हैं, राइट, ये वाले स्पेस में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और इसमें हम तीन कंपनीज का नंबर्स ऑलरेडी हमें मिला है, राइट, पॉलीकैब, हैवल्स और आपका केईआई इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कोई भी पर्टिकुलर स्पेस में जब कोई कंपनीज का नंबर्स आते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि सबसे अच्छे रेट से कौन, विच कंपनी इज ग्रोइंग। ठीक है, और व्हेन आई से कि ग्रोथ, आई मीन सेल्स ग्रोथ और से टॉप लाइन का ग्रोथ। तो यहां पे इफ आई लुक एट द थ्री कंपनीज, तो यहां पे पॉलीकैब का 30% का सेल्स ग्रोथ आया है, केईआई इंडस्ट्रीज का कुछ 17% का सेल्स ग्रोथ, और ये वाईओवाई लेवल पे बात कर रहे हो, Q2 ओवर Q2, और हैवल्स का कुछ आई थिंक 16% के आसपास। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि लाइक पॉलीकैब इज ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस देन इट्स कॉम्पिटिटर्स। आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल से भी यही ट्रेंड है कि लाइक पॉलीकैब इज ऑलवेज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन इट्स पीयर्स। आपने एक नया लिस्टेड कंपनी आया वो आरआर केबल करके, तो आप देखोगे उसका भी 14-15% का सेल्स ग्रोथ देता है। और आरआर केबल का भी Q2 का नंबर नहीं आया, सो आई वोंट कमेंट मच ऑन इट, लेकिन मैं यही बताने का कोशिश कर रहा हूं कि बड़े कंपनीज में, ठीक है, नॉट दोस छोटे केबल एंड वायर कंपनीज लाइक यू नो वो और भी कुछ 4-5 नाम्स है ना, डेल्टॉन केबल, फिर कुछ पैरामाउंट केबल एंड ऑल, उन सब का बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़े कंपनीज है। ठीक है, ये पॉलीकैब, फिर उसके बाद आपका आरआर केबल, केईआई, Havells, इसमें Polycab is always growing at a faster pace. तो इस क्वार्टर में भी वही हुआ, 30% से Polycab का सेल्स ग्रोथ हुआ। अब यहां पे क्या है, यहां पे बात यही होता है ना कि मार्केट में सबसे अच्छा, बिकॉज कोई भी पर्टिकुलर स्पेस में हमें ये क्यों देखना है कि सबसे अच्छे रेट से कौन से कंपनी ग्रो करते जा रहा है, बिकॉज सबसे ज्यादा डिमांड उस स्टॉक पे होता है जिस कंपनी का अंडरलाइन बिजनेस ग्रोथ सबसे हायर पेस में होता है, हाई स्पेस में होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके से मैं वीडियो बना के देता हूं, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू मेक बेटर इन्वेस्टिंग डिसीजन। लेकिन यहां पे बहुत सारे कैवियट्स है जो हमें और देखना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में Q2 में व्हाट वी सॉ के लाइक सारे केबल एंड वायर कंपनीज का मार्जिन कंप्रेशन हो गया। अब सोचो यहां पे मार्जिन कंप्रेशन का मतलब कैसे होता है ये। ठीक है, मतलब अगर मैं चलो पहले नंबर भी बता दूं, पॉलीकैब का प्रॉफिट्स ग्रू ओनली 4%। ठीक है, केईआई इंडस्ट्रीज का आई थिंक प्रॉफिट्स ग्रू 10% और आपका हैवल्स का प्रॉफिट्स ग्रू आई थिंक 8-9%। तो इसका क्या मतलब, सेल्स ग्रोथ पॉलीकैब का 30% हो रहा है लेकिन प्रॉफिट का ग्रोथ सिर्फ 4%। मतलब यहां पे तो बहुत अच्छा खासा यहां पे मार्जिन कंप्रेशन हुआ, राइट। और अगर मार्जिन कंप्रेशन होता है तो शेयर होल्डर को वैल्यू नहीं मिलता है, बिकॉज देखो अगर कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 4% ग्रो करता है, मतलब पिछले साल से इस साल में शेयर होल्डर को सिर्फ 3-4% का ही तो वैल्यू एडिशन हुआ है ना। सो उस तरीके से देखा जाए तो इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हुआ कैसे है पहले वो समझते हैं। अब सोचिए फॉर एग्जांपल, ये जो केबल एंड वायर स्पेस है, यहां पे रॉ मटेरियल क्या होता है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, जिनसे इनका केबल एंड वायर वगैरह बनाते हैं। केबल आप देखोगे सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में लगता है ना, मतलब कोई रेलवे स्टेशन बन रहा है या कोई मेट्रो स्टेशन बन रहा है, कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी काम चल रहा है वहां पे तो आपको केबल चाहिए, राइट। तो ये वो हो गया। और वायर का जरूरत और कहां होता है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में है ना, तो आपने देखा होगा घर में वो वायरिंग वगैरह करते हैं। तो बेसिकली क्या है, केबल एंड वायर हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, राइट, रियल एस्टेट के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। अब यहां पे क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है कॉपर एंड वायर, वो तो कॉमोडिटीज है ना। तो सोचिए क्या होता है, अब मैं अगर एक केबल एंड वायर कंपनी हूं, ठीक है, जब मैंने अपने रॉ मटेरियल को उठाया था, अगर उस टाइम पे लेट से कॉपर का या एल्यूमिनियम का लेट से प्राइसेस वेट सुपर हाई, ठीक है, तो मुझे तो हाई कॉस्ट में अपने इन्वेंटरी को एक्वायर करना पड़ा, फिर उसमें लेट से फॉर एग्जांपल मैंने अपना वो प्रोडक्ट को बनाया, लेकिन जब मैं उसको बेचने जा रहा हूं उस टाइम लेट से तीन महीने बाद मैं जब उस प्रोडक्ट को बेचने वाला हूं, राइट, मतलब इन्वेंटरी से ऑफकोर्स मैं, वो तो रॉ मटेरियल है, गॉट इट, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, अब वो मेरे हाथ में नहीं है, गॉट इट, बिकॉज वो तो
बाहर से हमें लेना पड़ता है, लेकिन वहां उसके बाद जब हम फाइनल प्रोडक्ट बेच रहे हैं तब तक से फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड एल्यूमिनियम का प्राइसेस घट गया, ठीक है। सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेल द प्रोडक्ट राइट, उस टाइम पे आपको तो उस मार्केट वैल्यू में ही बेचना पड़ेगा। दैट मीन्स इसमें क्या है, इसमें आपको एक इन्वेंटरी का लॉस लेना पड़ा, गॉट इट। मतलब आपने हाई कॉस्ट इन्वेंटरी में लिया, लेकिन बेचने के टाइम क्या हुआ, आपने आपने सिंस उस टाइम पे आपका केबल एंड वायर का बेचने के टाइम कॉपर एल्यूमिनियम का प्राइसेस घट गया, तो इसका क्या मतलब, आपको वो प्राइस को पास ऑन करना पड़ता है। तो हमेशा पास ऑन करना पड़ता है प्राइसेस को, ठीक है। और यही है नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। आपने देखा होगा कोई भी अगर पीवीसी पाइप्स का जो कंपनीज होते हैं, सो जो पॉलीमर होते हैं राइट, उनका भी सेम इश्यूज होते हैं राइट। ये जो एस्ट्रल वगैरह कंपनीज का आप देखोगे तो वहां भी सेम सिचुएशन होते हैं कि यू हैव टू पास ऑन द प्राइस। सो यहां पे क्या है, ये जो मार्जिन फ्लक्चुएशंस होते हैं, मार्जिन फ्लक्चुएशन आर डायरेक्ट मतलब दे हैव अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद द फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस इन द रॉ मटेरियल्स। समझ में आया, वेरी सिंपल है। किसी का पॉलीमर है, अब पॉलीमर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का डेरिवेटिव है, प्लास्टिक भी तुम्हारा पॉलीमर का ही डेरिवेटिव होता है। यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा कॉपर है, एल्यूमिनियम है एंड ऑल दैट। तो सिंस यहां पे मार्जिन का कंप्रेशन हुआ तो वो यही रीजन के वजह से हुआ। एंड नाउ आपको समझ में आ गया कि क्यों पॉलीकैप का सेल्स का पॉलीकैप का प्रॉफिट का ग्रोथ सिर्फ 4% है, हैवेल्स का सिर्फ 9% और आपका केईआई का सिर्फ 10%। दूसरा चीज ये होता है कि अब देखिए दोनों तरीके से आप जनरली केबल एंड वायर, क्योंकि देखो केबल एंड वायर जनरली क्या है, वो डायरेक्टली तो B2C नहीं है, गॉट इट। तो वो क्या करते हैं, कोई भी पॉलीकैप या केईआई टाइप का कंपनीज, वो अपने केबल एंड वायर को दो जगह में बेचते हैं, एक हो गया डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर और दूसरा हो गया आपका इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स, गॉट इट। अब सोचिए ना, डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यू वुड सी के लिए यहां पे मार्जिन कंपनी को ज्यादा मिलता है रादर देन द इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, ठीक है। लेकिन सोचो अगर लेट्स से डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप में कम ग्रोथ होता है और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स मतलब जहां पे ये लोग लेट्स से वायर्स वगैरह देते हैं वहां पे अगर ज्यादा ग्रोथ होता है, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ और आपका मार्जिन्स और भी इफेक्ट होगा, है ना। बिकॉज द थिंग इज के दिस, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूं, क्योंकि देखो आपको एनालॉजी समझना है, ठीक है। जैसे कि डीमार्ट का जो नॉन एफएमसीजी वाला सेगमेंट है, ठीक है, जो जहां पे वो अपैरल्स और फुटवेयर वगैरह बेचते हैं, वो है उनका हाई मार्जिन सेगमेंट। और उनका डीमार्ट का जो एफएमसीजी का जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, इन फूड एंड नॉन फूड, वो है उनका लो मार्जिन का सेगमेंट। तो आपने देखा होगा पिछले 2-2.5 साल में डीमार्ट का मार्जिन क्यों घटा, बिकॉज जो हाई मार्जिन सेगमेंट है वो रेट मतलब वो जिस रेट से ग्रो कर रहा है उससे जो लोअर मार्जिन सेगमेंट है एफएमसीजी, दैट इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस, ठीक है। तो यहां पे भी वही वाला सीन चल रहा है। तो इसका क्या मतलब, प्रोडक्ट मिक्स चेंज इन्वेस्टर के फेवर में नहीं है, ठीक है, ये जो पॉलीकैब और केईआई इनका। तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, एंड दूसरा एक और चीज है, वो है कि हाई कॉम्पिटिशन। मतलब क्या है, सोचो अगर आपने लेट से कॉपर एल्यूमिनियम तो लिया और लेट से ऑफकोर्स उसके बाद आप तो एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाओगे, राइट। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स क्यों बनाओगे आप, ताकि आप आपके प्राइसिंग पे कंट्रोल कर पाओ, गॉट इट। और सोचिए ना, कॉपर और एल्यूमिनियम का प्राइसेस ऊपर गया नीचे गया, इससे आपको फर्क तभी नहीं पड़ेगा जब लेट से कस्टमर्स आर विलिंग टू पे अप फॉर योर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर मैं यही देखते जा रहा हूं कि भाई तुम्हारा कॉपर एल्यूमिनियम का प्राइसेस जैसे भी ऊपर नीचे कर रहे हैं, तुम्हारा मार्जिन वैसे ही फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब तुम्हारा यहां पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स उतना है नहीं, गॉट इट। या फिर तुम्हारा जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है भी वो भी कॉम्पिटिटिव प्रेशर के वजह से स्ट्रगल करते जा रहे हैं। सो इसी वजह से क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ, अब देखो अब पूरे चीज को आप कनेक्ट करो, ठीक है। एक तो मार्जिन कॉम्प्रेशन हुआ, उसके लिए यू अंडरस्टैंड राइट, प्रोडक्ट मिक्स चेंज अनफेवरेबल हुआ, तो वो एक पॉइंट है। दूसरा है कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर है, गॉट इट। एंड तीसरा चीज ये है कि लाइक यहां पे शेयर होल्डर को उतना वैल्यू नहीं मिला। मतलब अगर आप केईआई को भी देखोगे, सिर्फ 10% का ग्रोथ है पैट का, पॉलीकैप का 4% का ग्रोथ है, राइट, हैवेल्स का 9% का है। सो द पॉइंट इज के लाइक यहां पे होता क्या है, मतलब एज एन इन्वेस्टर आपको सोचना कैसे है। तो देखिए अगेन मैं वो बंदूक वाला एनालॉजी देता हूं, ठीक है। If you give me a gun and tell me, तीनों में बता कौन सा लेना है, मैं तो वही कंपनी को लूंगा जिसका सेल्स ग्रोथ सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलीकैप, ऑल्दो ये तीनों में से कोई मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि कैसे सोचनी होती है, ठीक है। अब देखिए, आई वुड रैदर हैव अ कंपनी जिसका सेल्स ग्रोथ है और लेट से मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ कोर्स मेनी रीजन, जैसे यहां पे मैंने रीजन बताया कि क्या क्या हो रहा है, देन से फॉर एग्जांपल अ कंपनी लाइक नेस्ले या फिर ब्रिटानिया जिसका कोई सेल्स ग्रोथ ही नहीं है,
ठीक है, एटलीस्ट पॉलीकैप का 30% ग्रोथ से आपको ये समझ में आ रहा है दैट दे आर कैप्चरिंग मार्केट शेयर, है ना, दैट दे आर एक्सपेंडिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन बेस अक्रॉस मोर एंड मोर अक्रॉस द कंट्री एंड एज वेल एज इनका तो एक्सपोर्ट मार्केट भी है ना, और एक्सपोर्ट मार्केट भी इनका अच्छा होता है. इन बाय द वे ये केबल एंड वायर कंपनीज का एक्सपोर्ट बाजार में आपको फोकस भी करनी है. क्यों? बिकॉज एक्सपोर्ट के बाजार में, ठीक है, मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो, यूएस हो, यूएस इनका एक बड़ा मार्केट है जिसमें सारे कंपनीज बहुत बुलिश है बाय द वे, तो वहां पे क्या है आपको 1.5% एक्स्ट्रा आपको आपको मार्जिन ज्यादा मिलता है, ठीक है, ऑन द सेम मटेरियल कंपेयर टू से फॉर एग्जांपल जो आपको इंडिया में मिलती है. तो अगर एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स कीप गोइंग अप, राइट, दैट इज अ गुड थिंग, राइट, दैट्स अ गुड प्रोडक्ट मिक्स चेंज, राइट, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट टू डोमेस्टिक, तो इससे क्या होगा आपका ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकती है. तो ये भी एक इन्फो है. तो आप देखोगे कोई भी केबल एंड वायर कंपनी वो एक्सपोर्ट की बात करती है. आरआर केबल का आई थिंक दे हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट टू सेल्स, 25-26% के आसपास होगा. लेकिन बात यहां पे यही आ रहा है, राइट, कि लाइक मैं तो रादर आई गो फॉर अ कंपनी जिसका सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, ठीक है, वो तो मुझे चाहिए. लेकिन आप देखोगे जो स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक पागलों की तरह ऊपर तब भागता है जब अच्छा सेल्स ग्रोथ के साथ हमें ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है. ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब है कि लाइक फिक्स्ड कॉस्ट पे बहुत अच्छा कंट्रोल, ठीक है, और ये सब चीजें नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सब चीजें नहीं हो रहा है. मतलब से फिक्स कॉस्ट पे कंट्रोल कब होता है, लेट से रॉ मटेरियल का प्राइसेस ऊपर नीचे कर रहा है लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, यू कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग द प्राइसेस टू योर कस्टमर्स, राइट, तो इससे क्या होता, फिर लेट से आपका पैट का ग्रोथ 30% के ऊपर आता पॉलीकैप का. अगर कॉम्पिटेटिव प्रेशर इतना नहीं होता, राइट, ये जो हम बोलते हैं ना जिस बिजनेस में मोट है, अब मोट वाले बिजनेस का क्या होता है, मोट वाले बिजनेस का तो यही एडवांटेज है कि कॉम्पिटिशन कुछ भी हो जाए दे कैन कीप देयर मार्जिन, राइट, लेकिन इफ यू कीप लूजिंग योर मार्जिन, राइट, बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल चेंजेस एंड यहां पे कॉम्पिटेटिव प्रेशर के वजह से आपका डिमांड सिचुएशन भी बदल रहा है, तो मतलब क्या है आपका बिजनेस में उतना कोई मोट नहीं है, गॉट इट. लेकिन फिर भी एज आई से के लाइक यहां पे आई वुड प्रेफर अ पॉलीकैप ओवर अ केईआई एंड अ हैवेल्स. गॉट इट, समझ में आ गया लॉजिक, बिकॉज आई वुड वांट दैट 30% इंजिन ओवर लेट्स से 15% इंजिन हियर. अभी थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं जैसे तीनों कंपनीज का, मतलब अभी और भी क्या क्या हुआ है. आई थिंक आपको ओवरऑल पिक्चर समझ में आ गया कि क्या हो रहा है ये पूरा केबल एंड वायर स्पेस में. अब अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, से फॉर एग्जांपल अगर मैं केईआई का बात करूं, अब देखिए केईआई में आपको आपका एक्सपेक्टेशन को थोड़ा घटाना है, ठीक है, मतलब केईआई कैन नॉट ग्रो एट 30%. केईआई ने पिछले साल में ग्रीनफील्ड एक एक्सपेंशन किया था. ग्रीनफील्ड मतलब नया जगह में एक नया प्लांट खोला था और उन्होंने यही बताया था कि वी विल कंटिन्यू टू ग्रो, मतलब वो प्लांट जब ऑपरेशनली एकदम पूरा, मतलब अभी तो वो चल भी गया है, ठीक है, तो आगे जाके वो प्लांट जब पूरा एकदम से फॉर एग्जांपल मतलब फुल कैपेसिटी में जब काम करेगा तो KEI इंडस्ट्रीज कैन ग्रो सेल्स एट 15% CAGR फॉर द नेक्स्ट 5 years. मतलब वो आपको बता रहे हैं कि अगले 5 साल में वो अपने सेल्स को डबल कर देगा. ये पिछले साल का गाइडेंस था और उसके बाद अब देखो कोई भी कंपनी गाइडेंस देता है तो उसके बाद हमें एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा कि किस रेट से ग्रो कर रहा है भाई. मतलब अगर तुम कुछ बोलते हो, लोग मुझे पूछते हैं ना कि कोई मैनेजमेंट गाइडेंस दिया वो फेक रहा है कि नहीं, अरे वो तभी तो आपको समझ में आएगा अगर सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में आप देख रहे हो कि जो गाइड किया उसके आसपास भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, राइट, उस टाइम पे मैं स्टॉक को बेच के निकल जाता हूं. तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूं. तो यहां पे क्या सीन हो रहा है कि 15% का गाइडेंस दिया और एग्जीक्यूशन भी उसी रेट से हो रहा है, 15-17% से केईआई ग्रो करता है. कोई भी क्वार्टर को आप उठा लो और ऑन वाईओवाई लेवल पे वैसा ही है, ठीक है. तो ये हो गया केईआई का. अब देखिए और अगर मैं हैवेल्स का बात करूं, हैवेल्स बेसिकली कैसी कंपनी है ना, हैवेल्स इन तीनों में मतलब थर्ड है वो रेस में, ठीक है, क्योंकि अगर पॉलीकैब रेस में फर्स्ट हो रहा है 30% सेल्स ग्रोथ से, केईआई सेकंड है, हैवेल्स हमेशा थर्ड या फोर्थ होता है, ठीक है. सो हैवेल्स का देखोगे, हैवेल्स का तो केबल एंड वायर को छोड़ के भी उनका वो जो स्विच बोर्ड, फिर उनका लाइटिंग, ठीक है, फिर उनका जो इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सब इलेक्ट्रिक केटल वगैरह वगैरह सब बनाते हैं हैवेल्स, ठीक है. तो हैवेल्स का वो वाले सेगमेंट में दे आर स्ट्रॉन्गर देन द लाइक्स ऑफ पॉलीकैब एंड केईआई. जैसे केईआई इज अ प्योर प्ले केबल एंड वायर कंपनी, ठीक है, पॉलीकैब का 90% केबल एंड वायर है और 10% है उनका ये सारी चीजें, ये पंखा बनाना, लाइट बनाना, जिसको वो बोलते हैं FMEG, ठीक है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स.
गॉट इट, लाइक FMCG, गॉट इट. सो बेसिकली क्या है, Havells का यहां पे एक चीज हो रहा है कि उनका सेल्स ग्रोथ क्यों इतना घटा. बिकॉज देखो द पॉइंट इज, उनका Havells का भी देखना पड़ेगा कि लाइक हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स कौन कौन सा है. मतलब Havells का भी यहां पे प्रोडक्ट मिक्स चेंज जो हुआ, दैट इज नॉट इन फेवर ऑफ द इन्वेस्टर्स. ठीक है, क्यों मैं बता रहा हूं, बिकॉज Havells का लार्ज चंक ऑफ देयर सेल्स आता है स्विचेस से. ये जो स्विच बोर्ड होता है ना, ठीक है, घर में, तो वे स्विच बोर्ड से आता है. अब ये Havells, ऑफ कोर्स, अब स्विचेस कहां लगता है, हर जगह लगता है ना. लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे उतना ग्रोथ नहीं आया. और सोचिए ना, जो हाई मार्जिन पार्ट ऑफ योर टोटल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, अगर वहां पे आपको ग्रोथ नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब, आपका जो सेल्स ग्रोथ हुआ Havells का टोटल 16% का, वो सेल्स ग्रोथ आया फ्रॉम द लोअर मार्जिन अदर प्रोडक्ट्स. Got it? तो इसलिए क्या हुआ, अगेन प्रोडक्ट मिक्स इनका अच्छा नहीं हुआ, प्लस कॉम्पिटेटिव प्रेशर तो है ही. और यहां पे Havells तो मतलब केबल्स और वायर्स दोनों में है, राइट. तो वहां भी वही वाला मतलब सिनारियो है, हाई कॉस्ट इन्वेंटरी, रॉ मटेरियल प्राइसेस ऊपर नीचे कर गया, तो इनका मार्जिन फ्लक्चुएट हुआ, सेम ओल्ड स्टोरी. लेकिन यहां पे क्या हुआ, स्विचेस में कुछ नहीं हुआ. एक चीज आपको देखना पड़ेगा, लाइटिंग के सेगमेंट में, जैसे आप अगर फोकस लाइटिंग देखो, इकियो लाइटिंग देखो, या आप Havells का लाइटिंग सेगमेंट में देखो, लाइटिंग सेगमेंट में कोई ग्रोथ नहीं दिखता है, कहीं पे भी ग्रोथ नहीं दिख रहा है पिछले एक डेढ़ साल से. ठीक है, तो ये ट्रेंड तो वैसे भी कंटिन्यू कर रहा है. और तो बस कुछ नहीं है, मतलब अब यही है कि लाइक देखो, अब अगर मैं देखो, मैं कुछ वैल्यूएशन का बात करूंगा तो आपको लगेगा कि यू नो मैं कुछ रिकमेंडेशन कर रहा हूं, इसलिए मैं, आप देखोगे मैं डायरेक्टली वैल्यूएशन का बात नहीं करता हूं. बट इफ यू आर लुकिंग फॉर बिजनेसेस, लेट से मतलब अगर पॉलीकैब भी, मतलब पॉलीकैब अगर मेरे पोर्टफोलियो मैच होता, मैं सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, तो 4% का पैट के बाद आई वुडंट बी वेरी एक्साइटेड टू लाइक गो इन. लेकिन मैंने क्या बोला, अगर आप सिर्फ 3 कंपनी होता दुनिया में, तो शायद मैं पॉलीकैब में पैसा डालता, राइट. लेकिन मुझे अगर सिर्फ 4% का पैट का ग्रोथ, मतलब क्या होता है ना, इस टाइम पे व्हेन द स्टॉक इज एट 60-70 का पी, जो भी पी में है पॉलीकैप का स्टॉक, ठीक है, तो उसमें अगर मुझे 4% का पैट या ईपीएस का ग्रोथ मिलता है, इट वुड स्ट्रगल टू गो अप. ठीक है, अब यही वाला इश्यू आता है मार्केट में. एंड ऑफ कोर्स अगर आपका दूसरा कोई कंपनी है, जैसे मतलब हमें तो वही चाहिए ना, हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ एंड वी गेट ऑपरेटिंग लेवरेज इन द बिजनेस, राइट. तो अगर मुझे कहीं और जगह में लेट से 30% का सेल्स ग्रोथ, और उसके साथ अगर मेरा ईपीएस का ग्रोथ लेट से 40% से आता है, ठीक है, तो मैं वहां ज्यादा पैसा डालूंगा ना, मेरा इंक्रीमेंटल कैपिटल वहां ज्यादा जाएगा देन लेट से पॉलीकैप, राइट. सो इस तरीके से मैं देखता हूं. सो इट्स ऑल अबाउट अ पीयर टू पीयर एनालिसिस. तुम्हारे सेक्टर में देखना पड़ेगा रेस में कौन जीत रहा है, और जब तुम पैसा भी डाल रहे हो तब पोर्टफोलियो में दूसरे सेक्टर के कंपनीज जो तुम्हारे पोर्टफोलियो में है उसके साथ भी तुम्हें कंपेयर करके देखना पड़ेगा. सो बिकॉज तुम्हारा पैसा तो लिमिटेड है ना, तो तुम्हें देखना पड़ेगा इंक्रीमेंटल कैपिटल कहां जा रहा है. ओके, सो और इस तरीके से मैं वीडियोस इसीलिए बनाता हूं ताकि क्या होता है ना, आपको एक पिक्चर मिल जाए एंड यू कैन कनेक्ट द डॉट्स इन योर हेड, राइट. क्योंकि बहुत सारे कंपनीज है, राइट. ऐसे सोचो कि हर कंपनी एक मार्केटिंग एजेंट है, मतलब मार्केटिंग या सेल्स एजेंट है, जो आपको ये इन्विटेशन दे रहे हैं कि मुझ में पैसा डालो, राइट. लेकिन आपका कैपिटल वहां जाएगा जो कंपनी डिजर्व करेगा. गॉट इट. सो द कंपनी हैज टू डिजर्व योर मनी. मैं बार बार यही चीज बताता हूं, रेदर देन यू मेकिंग अ रूल कि मैं तो इसमें 5 साल रहूंगा. मतलब फिर इसलिए क्या होता है, व्हेन एन HDFC बैंक दैट डजंट डिजर्व योर मनी एनीमोर, यू कीप ऑन पुटिंग दैट मनी देयर. तो इसलिए क्या होता है, मिस एलोकेशन होता है और आप ही पैसा नहीं बनाते हो. सो एनी विच वे, तो ये रहा पूरा केबल एंड वायर के स्पेस में, अभी यही हो रहा है. सो आपका जो भी क्वेश्चंस होता है, कमेंट होता है, आप मुझे ऑफ कोर्स मतलब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. आई विल रीच आउट टू यू. थैंक यू.